से आपके पास स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं शुभ। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों टॉपिक क्या है, आज मैं दोस्तों लेके आया हूं आपके लिए ज़ाइफर लैब्स का एक एम्पलीफायर। बेसिकली दोस्तों Z8 है और एक्सट्रीमली बेस एम्पलीफायर कहते हैं इसे, यानी बेस के लिए एक्सपर्ट एम्पलीफायर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये मेड इन इंडिया है और आपकी ज़्यादा डिमांड के कारण मुझे ये एम्पलीफायर लाना पड़ा। तो ये ड्यूल चैनल में आता है, इसकी करेंगे अभी हम स्पेसिफिकेशंस जानेंगे, रिव्यू देखेंगे और पीछे की साइड इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नीचे दे लाल करके बटन को जाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं। सामने की तरफ आपको अभी फ्रंट पैनल पे बिल्कुल रंगीन सा एक ऑरेंज टाइप का कलर देखने को मिल जाता है। ज़ाइफर लैब्स के यहाँ पे आपको ब्रांडिंग दे रखी है और Z8 इसका मॉडल नंबर है, ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन दे रखा है, यहाँ पे ब्रांड लोगो देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सा यानी स्मूथ सा आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स बल्ब्स देखने को मिल जाते हैं जो शो करते हैं कि आप ओवरलोड पे कब जाएंगे, यानी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है। चलते हैं इसके पीछे की साइड और पीछे की साइड की स्पेसिफिकेशंस देखिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पीछे की साइड, तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपको XLR इन और XLR आउट दोनों देखने को मिलेगी, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करा गया है इस एम्पलीफायर के साथ, क्योंकि ये एम्पलीफायर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रखा गया है, इसके कारण ये आपको 4 स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी 1 2 3 4, यानी चैनल 1 के लिए तो 2 स्पीकर होंगे, चैनल 2 के लिए 2 स्पीकर होंगे, ये 4 एम्पलीफायर का यानी 4 चैनल का एम्पलीफायर नहीं है दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये वर्क कैसे करेगा, यानी 8 ओम पे आप इसमें से सिंगल लेके लेंगे, 8 ओम पे आप इसमें से सिंगल लेंगे, यानी ये पावर डिवाइड कर देगी ये इस चैनल से, यानी इस चैनल से जो भी आया है, इस मॉड्यूल से जो भी आया है फर्स्ट वाले से, वो यानी यहाँ से डिवाइड कर दिया गया है 2-2 में, यानी 8-8 ओम पे आप चला सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा पावर को हैंडल करना इन स्पीकर को, ये स्पीकर जल से जाते हैं इसलिए ये इसमें करा गया। तो ये काफ़ी अच्छा सा लगा, यानी इसकी न्यू टेक्नोलॉजी मुझे लगी। यहाँ पे आपको पावर पोर्ट देखने को मिल जाती है और बस दोस्तों ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से, यहाँ पे आपको एक फ़ैन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपने अभी देखा इस टाइप का, और यहाँ पे आपको मेड इन इंडिया देखता है, तो ये देख के काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। और चलते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकर, मैं कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूँ, यानी कितने ओम पे कितना पावर देता है हमें। तो यहाँ पे चलते हैं, ये मॉडल नंबर आता है Z8 डेप्थ का, Z8, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर मैं आउटपुट की बात करूँ 8 ओम की, तो यहाँ पे आपको 2450 वाट देखने को मिलता है, तो अच्छा है, मतलब यानी आप 8 ओम का बेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से बजाते हैं, चाहे वो हैवी से हैवी स्पीकर हो। यहीं अगर मैं दोस्तों 4 ओम की बात करूं, तो यहाँ पे आपको 4000 वाट देखने को मिलता है, Z8 यानी 8000, 4 ओम पे 4000 वाट दे रहा है, काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। 2 ओम पे स्टेबल है, 1 ओम पे भी स्टेबल दे रखा है, तो ये भी अच्छा लगा, यानी 3200 वाट आपको 2 ओम पे देखने को मिलता है। और यहीं अगर मैं इसकी बात करूं कुछ डैम्पिंग फैक्टर की, तो यहाँ पे आपको जो डैम्पिंग फैक्टर देखने को मिलेगा वो होगा 1000, तो काफ़ी हाई डैम्पिंग फैक्टर हमें देखने को मिलता है। और जो इसका वेट है टोटल दोस्तों, वो है यहाँ पे 38.5 किलो, यानी 38.5 kg की तकरीबन है इसका वेट। और बस दोस्तों इसमें इतना ही डिटेल है और यहाँ पे बस, और काफ़ी अच्छा लगा ये मुझे एम्पलीफायर देखने में, और आपको कैसा लगा वो मेरे लिए मायने रखता है। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं इस एम्पलीफायर को, तो ज़रूर से नीचे मुझे कमेंट में बताना, और भी कुछ डिटेल्स हों आपके पास जो छूट गई हो तो वो भी ज़रूर से बता के जाएगा। ये वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक करेगा, शेयर करेगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं आता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।